क्या आपको सुपर हीरो मूवीज देखने का शौक है? अगर है तो आप भी ये बात जानते हो मेरी तरह और इमाम की तरह कि पिछले 20 सालों में जो सबसे बड़ी हिट मूवीज रही हैं बड़े पर्दे पे वो रही हैं सुपर हीरो मूवीज। स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इतने सारे सुपर हीरोज हैं जो मार्वल के हैं, मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरोज हैं ये सारे के सारे, और ये बड़े पर्दे पे पूरे तरीके से छाए हुए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये मूवीज पसंद आती हैं। पर जिस दिमाग ने इन सारे के सारे सुपर हीरोज के बारे में सोचा और उनका उद्घाटन किया और उनको कॉमिक्स में लाए और उसके बाद पिक्चरों तक लाए, उनका नाम था स्टैन ली। और उनके बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं क्योंकि इनकी सोच बहुत समय पहले ही बहुत आगे तक थी। You know what it is I love about being Spider-Man? Spider-Man, जो सूट पहन के अपने हाथों से वेब्स निकालता है और जिसके अंदर सुपर हीरो एबिलिटीज हैं, इस किरदार को हमने बड़े पर्दे पे तो अभी रिसेंटली बहुत बार देखा है, बट पहली बार जो दुनिया ने इस स्पाइडरमैन को देखा था वो था 1962 में। जी हाँ, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स बैक जो पहली कॉमिक आई थी स्पाइडरमैन की, और स्टैनली ने ही उसका उद्घाटन किया था। अगली बात करते हैं आयरन मैन की। आयरन मैन शायद बड़े पर्दे पे इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर हीरोज इन रीसेंट टाइम्स, और इनकी मूवीज कितने कितने करोड़ों का बिजनेस करती हैं। बट आयरन मैन जो है, जिनका सूट बहुत फैंसी है और इनके सूट के अंदर हीटिंग एबिलिटी भी है, शूटिंग एबिलिटी भी है, आर्मीज को ये अकेले टैकल कर सकते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी किसी की सोच थी एक समय पे। और पहली बार जो आयरन मैन पे नजर पड़ी थी दुनिया की वो थी 1963 में। You can well imagine इतने साल पहले किसी की सोच कितनी आगे तक थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी को कितना समझा था कि उन्होंने एक ऐसा इंसान के बारे में सोचा जो एक सूट पहन के पूरी पूरी आर्मी से भिड़ जाता है, वो थे आयरन मैन, और उनके बारे में सोचने वाले थे स्टैन ली। आयरन मैन की बात करें तो कैप्टन अमेरिका को हम कैसे भूल सकते हैं। कैप्टन अमेरिका की अगर आपने मूवी देखी हुई है तो आप भी जानते होंगे कि ये बहुत ही एक छोटे से इंसान दिखाए हुए हैं शुरुआत में, और इन पे एक साइंस एक्सपेरिमेंट होता है जिसके बाद से ये फुल एक सुपर हीरो बन जाते हैं, एंड ही हैज अमेजिंग एबिलिटीज। ये भी स्टैन ली की सोच थी, और कैप्टन अमेरिका मूवीज हैव डन प्रॉब्ली एज गुड एज द आयरन मैन मूवीज इन रीसेंट। एंड फाइनली, कोई अगर कहीं पे भी दुनिया के कोने में जाके बोले हल्क स्मैश तो सबको पता है वो किसकी बात कर रहे हैं। हल्क इज प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम, और ये भी जो सुपर हीरो जो एक आम आदमी से बहुत ही बड़ा मस्कुलर आदमी बन जाता है, ये भी स्टैन ली की सोच थी बहुत 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 दशक पहले। तो स्टैन ली ने अपनी पूरी जिंदगी इन कॉमिक बुक हीरोज के पीछे लगाई और पूरी दुनिया ने इसका आनंद लिया। पर बहुत सारी मूवीज जो हमने बड़े पर्दे पे देखी उनमें स्टैन ली छोटे छोटे कैमियोज में आते रहे हैं पिछले इतने सालों से, और उनके बारे में अब हम आपको कुछ बताने वाले। 1989 में द ट्रायल ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क जब मूवी आई थी उसमें भी स्टैन ली का छोटा सा किरदार था कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए। 1994 में जब स्पाइडरमैन का कार्टून बन के आया था तो कार्टून मूवी में भी उन्होंने स्टैन ली का एक छोटा सा कार्टून एक कैरेक्टर बना के उसको स्क्रिप्ट के अंदर ही डाल दिया था, बिकॉज दैट इज हाउ मच ही वाज रेवर्ड एंड लव। 2008 में आयरन मैन मूवी जब आई थी जिससे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का करियर एक बार फिर से किक स्टार्ट हुआ था, उस मूवी में भी स्टैन ली का एक छोटा सा अपीयरेंस था जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक पार्टी के लिए जा रहे हैं और उनको लगता है कि स्टैन ली ह्यूग हेफनर है जो कि प्लेबॉय के ओनर थे। 2012 में आई थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन, और इस मूवी का शायद एक सबसे आइकॉनिक सीन जो था उसमें स्टैन ली है और स्टैन ली दिखाए एक लाइब्रेरियन के रूप में, और वो हेडफोन्स लगा के कोई सूदिंग सा म्यूजिक सुन रहे हैं और उनके बैकग्राउंड में पूरी लाइब्रेरी को फोड़ते हुए स्पाइडरमैन और लिजर्ड की फाइट हो रही है, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस सीन्स इन द मूवी। चौदह में कैप्टन अमेरिका की द विंटर सोल्जर लॉन्च हुई थी, और उस मूवी में भी म्यूजियम में कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म डिस्प्ले पे होती है और स्टैन ली म्यूजियम के केयरटेकर होते हैं और कैप्टन अमेरिका अपनी यूनिफॉर्म चुरा के वहां से चले जाते हैं किसी और मिशन पे, सो ही वॉज सीन इन दैट मूवी ऑल्सो। अफसोस की बात यह जरूर है कि स्टैन ली अब इस दुनिया में नहीं रहे, 95 की उम्र पे उनका देहांत हुआ, पर उनकी जो देन है इन सारे सुपर हीरोज के फॉर्म में वो इस दुनिया में हमेशा रहने वाली है, बिकॉज इन मूवीज़ को हम सारे पसंद करते हैं और आने वाले टाइम में ये मूवीज़ और ही और बनने वाली है, सो वील ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू स्टैन ली।
तो अब से जब भी आप कोई मार्वल की सुपर हीरो मूवी देखो उसमें स्टैनली का इंतजार जरूर करना, क्योंकि थोड़े से समय के लिए आपको वो जरूर देखने को मिलेंगे। उन्हीं की देन है ये सारे के सारे सुपर हीरोज जिनका हम आनंद लेते हैं बड़े पर्दे पर। देखते रहना टेक तक, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अलावा कॉमिक्स में भी हमारा काफी इंटरेस्ट है और आपको कॉमिक्स के बारे में सब कुछ बताते रहेंगे।